x की पावर n का 1 अपॉन x की पावर n का डिफरेंशिएशन तो दिया था फरमान सर ने बना के, आज 1 अपॉन x की पावर n का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है बना के, नो ऊपर ले जाना, नो x की पावर n का फॉर्मूला लगा के माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 करना, इतना टाइम नहीं है ना, 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 ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 1। जो लास्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन का असली मतलब समझाया था, इंट्रोडक्शन कराया था कि जब हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जनरेट होनी चाहिए, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यकीन मानिए बहुत बेसिक, बहुत ही कहना चाहिए प्यारा लेक्चर है, और आप अगर इंटीग्रेशन की अच्छी समझ रखना चाहते हैं और आप भी उन बच्चों में से हैं जो इंटीग्रेशन आपको परेशान कर रहा है, तो मेरा सजेशन है कि आप उस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे सारे ही स्टूडेंट्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मजे करिए और अच्छे तरीके से सेफ तरीके से होली को खेलिए, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन में बेसिक्स की, कौन से बेसिक्स की ज़रूरत है। भाई हर जगह तो प्रूफ करने नहीं लग जाओगे, मैंने इंटीग्रेशन का आपको मतलब समझाया, बट हर जगह कोई क्वेश्चन आ गया तो कोई ट्रिक्स भी तो आनी चाहिए, मिनट्स के अंदर सेकेंड्स के अंदर आपका क्वेश्चन बन जाए। तो कुछ ऐसी बातें हैं बच्चों जो इंटीग्रेशन करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, और मैं जानता हूं ये बात, बीइंग अ मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स 90% बच्चों को वो बातें नहीं पता हैं आज भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मैं जानता हूं या मैं पढ़ाता हूं, लेकिन 90% बच्चों को नहीं पता है, नहीं पता है। तो उन बातों पर मैं डिस्कशन करूंगा आज। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन एक मेथड नहीं है, सब्स्टिट्यूशन पे आने वाला हूं, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन कोई मेथड नहीं है, दिस इज द बेसिक नीड ऑफ इंटीग्रेशन, इसके बिना तो काम बन ही नहीं सकता, सारे फॉर्मूलाज एक्स पे अप्लाई नहीं होंगे, तो अब वो मैं लेक्चर में डिस्कस करूंगा, बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और जो लोग ये जानते कि अरे ये तो सब बेसिक है, तो कितनी देर लगेगी आपको इसका इंटीग्रेशन करने में, वन अपॉन या माइनस फाइव अपॉन या माइनस सिक्स अपॉन एक्स की पावर फाइव, क्या आप इसका आंसर ओरली बता सकते हैं 2 सेकंड्स के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, क्या ये कर पाएंगे आप? वन अपॉन रूट एक्स, क्या इसका इंटीग्रेशन आप 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं ओरली? नहीं सर, हम तो करेंगे सर एक्स की पावर 1/2 बनाएंगे सर पहले, फिर इसको सर ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -1/2 dx बनाएंगे सर पहले, उसके बाद सर कहीं करेंगे हम x की पावर n का रूल लगा के। नहीं डियर, मेरे प्यारे बच्चे, 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर मैं आंखें बंद करके लिख सकता हूं, 2√x + c। कहां से आया? अगर यही सीखना चाहते हैं तो इस लेक्चर में बने रहिए, बस बहुत अमेजिंग चीजें आज आपको मैं सिखाने वाला हूं, बहुत बढ़िया वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें जानना होगा कि भाई इंटीग्रेशन आपने एंटी डेरिवेटिव वाले तो पढ़ लिए हैं, डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव के उल्टे वाले थे, फॉर एग्जांपल ये चीज हमें यहां से शुरू करनी पड़ेगी, ए एक्स प्लस बी का क्या गेम है, चलिए दिखाता हूं। भाई साइन एक्स डी एक्स का अगर मैं आज आपसे पूछू, कहोगे सर माइनस का कॉज एक्स प्लस सी, भाई आपने ही पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, बिल्कुल सही है, बिंदास है, बेहतरीन है। दूसरा सर कॉज एक्स का, तो सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स होता है, तो कॉज एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और सर सी का चक्कर तो हम समझ ही चुके हैं, क्योंकि अब हम सी नहीं रहे, सी हम समझ चुके हैं। अच्छा अब हम सी बनाते हैं लोगों को, बहुत बढ़िया, यहां मत बन जाना। सवाल आया भैया, ये बिल्कुल फुद्दू वाली बातें हैं ये, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं बेसिक सिखा रहा हूं यार, जो बच्चा गलती से मैथ्स ले ले बस उससे उम्मीद करो आईआईटी निकालेगा, बस ये बच्चा हमारा मैथ बस उसे गलती से दिलाई नहीं उसकी मौत हो गई, आईआईटी निकालेगा बस। अरे यार बेसिक तो सिखा लो पहले उसको, मैथ्स का मीनिंग्स तो सिखा लो, कैलकुलस तो सिखा लो, ट्रिग्नोमेट्री तो सिखा लो, प्रोबेबिलिटी तो सिखा लो, बेसिक तो सिखा दो उसको, एटलीस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब तो समझ आ जाए उसको, नहीं आईआईटी निकालेगा, पहले आईआईटी निकलवा लो उससे। बस ये दिक्कत हो गई आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसने गलती से मैथ्स ले लिया बस एक्सपेक्टेशन उससे आईआईटी में जाएगा, बस ये जबरदस्ती घुसाओगे क्या उसको, तो बेसिक सिखा लो, बेसिक सिखा लो। अब ये आ गया सर, देखिए साइन एक्स
dx का क्या किया था, माइनस का cos x। ये दिक्कत आज 90% बच्चों के साथ है, वो डिस्कस कर रहा हूं मैं आज। 90% बच्चों के साथ ये दिक्कत है आज, वो ये क्या बना के आएंगे मालूम, आप ही ने सिखाया था सर माइनस का cos 2x प्लस 5 प्लस c बना दूंगा मैं तो। अब यहां बेटा मात खा गए आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे सर कैसे समझ में नहीं आया सर। अच्छा डिफरेंशिएशन करता बेटा तू, तू क्या करता डिफरेंशिएशन करता। चलो इसका इंटीग्रेशन करना है ना मुझे, इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, इंस्पेक्शन मेथड भी है। cos 2x plus 5 का डिफरेंशिएशन कर बेटा। हाँ सर समझ गए, करते हैं। फिर यहां पे एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, बहुत जबरदस्त। तो सर cos x का होता है माइनस का साइन x, x की जगह 2x plus 5। लेकिन सर हमने पढ़ा था कि x की जगह कुछ और आ जाए तो चेन रूल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो सर 2x, भाई x की जगह तो सर 2x plus 5 है तो इसका दोबारा करेंगे। हाँ भाई करो। तो जब इसका दोबारा करेंगे सर 5 का 0 हो जाएगा, 2x है तो x का होता है 1 डिफरेंशिएशन, तो 2 बचेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ। तो जब ये इधर जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। लो भैया इंटीग्रेशन dx, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। सही है, बिल्कुल सर बढ़िया, समझ में आ रहा है बात। हमें तो इंटीग्रेशन चाहिए था किसका, मैंने क्या बोला था, मुझे इसका चाहिए था ना, और आपने ये आंसर लिखा है तो मैंने कहा था गलत है। क्यों बोला था गलत पता है, माइनस साइन 2x प्लस 5 इंटू 2 dx का इंटीग्रेशन ये होगा। भैया 2 किधर लाओगे, मल्टीप्लाई से सर डिवाइड में ले आएंगे। बिल्कुल सही है। और ये माइनस माइनस ये इधर ले आओ, माइनस इसको हटा दो, 2 डिवाइड में आ चुका है, इसको भी हटा दो। अब मुझे ये बताओ इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x प्लस 5 आ रहा है या माइनस कॉस 2x प्लस 5 बाई 2 आ रहा है। तो 2 आप डिवाइड में लगाना भूल रहे थे सर, तो क्या हर बार उल्टा करके करना पड़ेगा सवाल, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसमें तो सर पता लगा लिया कि साइन का cos 2x plus 5 लेके चल लिया सर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया तो हम कहां से शुरू करेंगे भाई। इसका हमें मालूम था ना कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है cos का वो साइन होता है, तो हमने वहां से शुरू कर लिया। अब कोई बहुत टेढ़ा सवाल आ गया कि भैया 2x upon under root 1 minus x square वगैरह वगैरह, सर क्या करेंगे, तो हमें तो पता ही नहीं है कि इसका डिफरेंशिएशन, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, कहां से शुरू करेंगे। एक एक सवाल का जवाब समझ, दिक्कत है, यही तो दिक्कत है यार इंटीग्रेशन में, यही तो दिक्कत है। बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने हो आ जाओ, सीखना चाह रहे हो आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। एक दिन में रातों रात पॉसिबल ही नहीं है यार, इतनी बात समझ में आई है। अब देखो इसको आगे अप्रोच करता हूं, तो यहां से मैं क्या सिखा रहा हूं अपने बच्चों को, अगर मैं किसी को इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं और उसको अगर मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, तो बहुत शॉर्ट में मैं ये समझाऊंगा कि साइन 2x प्लस 5 है, तुमने क्या पढ़ा है, तो सर मैंने पढ़ा है कि माइनस का कॉस 2x प्लस 5 प्लस सी होता है। बिल्कुल कर दे कर दे कर दे कर दे। मगर मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, तो वो कहेगा सर डिफरेंशिएशन में मैं ये करता था कि जो x की जगह कुछ और आता था मैं उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करता था। कर दे डिफरेंशिएशन कर दे, अलग से कर ले, नहीं छोटी थी चुपके से कर ले। तो 2x प्लस 5 का क्या आएगा, 2। बस डिफरेंशिएशन में जो आता था वो मल्टीप्लाई में जाता था, इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाएगा। बस मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा यार, अभी मैं सिखा रहा हूं ट्रिक है ये। बोले अच्छा सर पक्की बात है, बिल्कुल बेटा पक्की बात है, जबरदस्त। अच्छा अब सर मान लीजिए मेरा आ गया e की पावर 3x प्लस 5 dx, तो बेटा ये मत सोचना कि e की पावर x का e पावर x होता है तो 3x प्लस 5 करके निकल लोगे, ना ना ना, 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कराओ। तो 3x प्लस 5 का जब डिफरेंशिएशन कराओगे तो 3 और आएगा, वो 3 यहां डिवाइड में आएगा। मैं इसको एक बार और दिखा देता हूं, फिर इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये चक्कर क्या है, डिफरेंशिएशन में जो मल्टीप्लाई में आएगा वो डिवाइड में जाएगा। देखते हैं, तो मैं e की पावर 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ये तो इंस्पेक्शन मेथड पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कि अगर आपको उसका डिफरेंशिएशन पता हो तो उल्टा करके आप कर सकते हैं। हाँ सर करिए डिफरेंशिएशन, e की पावर 3x प्लस 5 और d ओवर dx चेन रूल लगाते हुए 3x प्लस 5 का दोबारा करेंगे। छोटे बच्चों के लिए लिख दे रहा हूं, वरना तो मैं लिखता नहीं, डायरेक्ट कर देता। तो सर e की पावर 3x प्लस 5 और 3x प्लस 5 का करेंगे तो इनटू में 3 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। तो इसको अगर हम इधर भेज दें तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन मुझे तो सर इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 चाहिए था, ओनली इनटू में 3 तो चाहिए नहीं, तो इधर से जो 3 था वो डिवाइड में जाएगा ना इधर। अरे सर बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई।
वही तो समझा रहा था मैं। तो एज इट इज फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो सकते। आप सोचे कि साइन एक्स का हमने कॉज एक्स पढ़ा है तो साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स पढ़ा है तो माइनस कॉज एक्स लिख दे। नो 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 नो। तो मैंने क्या बोला कि अगर साइन ए एक्स लिखा हुआ है या ए एक्स प्लस बी, क्योंकि बी का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, तो हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल उठा के पढ़ते रहो, उसमें ये फॉर्मूला पढ़ो, फिर फॉर्मूला याद कर लो। क्या याद करोगे? क्या ये कुछ भी नहीं है। बताओ क्या बनाओगे? अब तुम खुद बताओ इसका क्या बनाओगे। सर माइनस का कॉस ए एक्स प्लस बी, सर ए एक्स प्लस बी का दोबारा करेंगे तो बी का जीरो हो जाएगा और ए एक्स का ए आएगा, वो आपने कहा डिवाइड में जाता है। बिल्कुल शाबाश, यही 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 बस सीखना था। सर प्रूफ भी तो कह रहे थे आप प्रूफ भी कराएंगे, ये तो सर रट लिया उल्टा करके। समझ में तो आया, मैं थोड़ा सर रटने वाली फीलिंग आ रही है। सबर करो सबर करो सबर करो, बिल्कुल अभी समझाऊंगा, उसके बाद दो बिल्कुल बेहतरीन वाली ट्रिक जो रूट वाली बता रहा था। अच्छा तो ax प्लस बी का गेम समझ गए, इंटीग्रेशन ऑफ, अब सिर्फ ax आ जाए तो सर क्या होगा? मान लीजिए सर मेरा आ गया cos ax, बेटा तब भी cos का sin x होता है तो sin ax तब भी a आएगा डिवाइड में, क्योंकि ax का डिफरेंशिएशन करोगे a बचेगा, a यहां डिवाइड में जाएगा, और ax प्लस बी का भी a ही आएगा डिवाइड में, क्योंकि b का तो जीरो हो जाएगा। बस अगर यहां पे ax प्लस बी हो रहा है तो b यहां जरूर आएगा ऊपर, डिवाइड में ए ही जाएगा, तब भी डिवाइड में फिर भी ए ही जाएगा। क्यों ए जाएगा? क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद ए ही तो बच रहा है। ठीक, बात समझ गए? तो जितने भी क्वेश्चन अब ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में आएंगे, जो भी आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो बहुत बिंदास बन जाने चाहिए। सर कैसे? सर क्या ये भी हो जाएगा 2x plus 5dx? हाँ, 1 upon x का क्या पढ़ा था? log x, बिल्कुल बनाओ बिंदास बनाओ log 2x plus 5। लेकिन जब तुम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते तो 2 मल्टीप्लाई में आता, तो यहां पे 2 कहां जाएगा? डिवाइड में, 1 बाई 2 प्लस का c। ये बात मैंने क्या बोला, 90% बच्चों को क्लियर नहीं हुई है आज तक। अब इसका प्रूफ देता हूं मैं आपको कि ये है क्या गेम। सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं यार, सब्स्टिट्यूशन वहां पे लगाना पड़ता है, उसका इतना लंबा चौड़ा काम तब दिखाओगे ना करके जब उसकी जरूरत है। बड़ा लंबा गेम है, ओरली नहीं हो पा रहा है क्या? e की पावर 2x प्लस 5 यानी कि ax प्लस b वाले गेम में मैं तो नहीं दिखाता सब्स्टिट्यूशन, मैं तो डायरेक्ट करता हूं। देखिए मान लीजिए साइन, चलो मैं जनरल भी प्रूफ कर दे रहा हूं, ax प्लस b का इंटीग्रेशन करना है। अब मैं ऐसा स्टूडेंट सोच रहा हूं, यार मुझे तो साइन x का फॉर्मूला याद है, साइन ax प्लस b का फॉर्मूला याद नहीं है। साइन x का मुझे मालूम है माइनस का cos x होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कुछ ट्रिक लगाते हैं, तो ax प्लस b को t मान लेते हैं। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। मगर मैं इसको फुद्दू सब्स्टिट्यूशन मानता हूं, मैं नहीं मानता कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा यार। मैंने तो डायरेक्ट बता दिया आपको माइनस का कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए करो, मैंने कहा था प्रूफ कराऊंगा, आप क्वेश्चन में दिखाना मत ये करके। लेकिन मैंने क्या कहा था? अच्छा बच्चा वही है जो रीजन भी जाने और जो ट्रिक भी जाने। देखो अब गेम देखो यार, अब मैथ्स को पढ़ो यार, फील करो, अब मजा आ जाए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे एकदम। अरे क्या चीज है यार ये तो, हम तो ऐसे ही यार इंटीग्रेशन को गालियां बक रहे थे कि साला चैप्टर ये हट जाता तो जिंदगी सफल हो गई होती। अरे नहीं, बिंदास समझ में आएगा। देखो तो डिफरेंशिएशन, कैसे डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा है? क्योंकि ए एक्स प्लस बी को टी की फॉर्म में पुट कराया और इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम चाहेंगे यहाँ डी टी आ जाए यार। वो टी बना रहे हैं तो इंटीग्रेशन भी तो टी के रिस्पेक्ट में होगा ना। हाँ चलिए सर, कुछ तो समझ में तो आई बात। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हो सकता है फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए यार, ये फिजिक्स में बहुत लंबा यूज है इसका, बहुत लंबा यूज है। सही है सर, ठीक है कर दिया, करो जरा। तो ए एक्स का ए बचेगा, बी का तो जीरो हो गया सर। टी का सर डिफरेंशिएशन कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, सर डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे, बिल्कुल सही है। डी एक्स इधर लिया मल्टीप्लाई में, ले आएगा सर, ले आऊंगा। तो मुझे डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी डी टी की फॉर्म में, तो क्या इसको मैं डी टी अपॉन ए लिख सकता हूं? देखो जो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आया वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में गया, कैसे? अरे देखो यार, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी को अपन ने क्या रखवाया था? टी, और डी एक्स को क्या मिला? डी टी अपॉन ए, डी टी अपॉन ए। अरे यार वन अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है, कैसे कहा था? इंटीग्रेशन कहीं के डी एक्स आ जाए तो के को बाहर ले लोगे और इसको वन डी एक्स मान लोगे, और वन का क्या होता है? वन का क्या होता है जल्दी बताओ? एक्स, तो के एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। चलो इस पे आओ, वापस आओ। तो सर साइन टी डी टी बन गया। हाँ ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है,
लेकिन इसके लिए इतना कुछ करके लगाओगे कि एक फॉर्मूला बनाने के लिए, मतलब तुम इसको डायरेक्टली हैंडल नहीं कर पाओगे क्या? ये दिक्कत है हमारे बच्चों की। मगर अफसोस ये है कि उन्हें कोई सिखाया नहीं, प्रॉब्लम यहां पर है। कोई सिखा देता तो ऐसा थोड़ी ना आगे, रॉकेट साइंस थोड़ी है जो नहीं सीख पाते। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन, डरा दिया उनको, डरा दिया, मोरल डाउन कर दिया यार, डर लगने लगा कैलकुलस से। देखो यार अब इसको देखो, तो साइन टी डी टी, सर बिंदास करूंगा मैं तो, सर कॉस टी होता है इसका प्लस सी सर अपॉन में ए था, वो तो रहेगा ही रहेगा। हाँ यार सही कह रहा है बेटा, टी की वैल्यू रखवा दे तो माइनस का कॉस, टी की वैल्यू क्या थी ए एक्स प्लस बी, तो मैं क्या इतनी देर से कुछ और कह रहा था, ए एक्स प्लस बी ऊपर आएगा इसका जो डिफरेंशिएशन करके जो बचेगा वो डिवाइड में आएगा, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए वो डिवाइड में जा रहा है, जो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है वो यहाँ डिवाइड में जाता है। तो क्या इतना कुछ करके दिखाओगे या मन में कर लोगे क्या कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए चलो इसी को ले लेते हैं कि सर साइन 3x प्लस 5 dx, तो क्या इसको मानोगे पूरा 3x प्लस 5 को t माना और ये पूरी लंबी चौड़ी कहानी करके दिखाओगे? इतना टाइम है तुम्हारे पास? मुश्किल सवाल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है, लेकिन इस जैसे फुद्दू सवाल में अगर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो फुद्दू बन के रह जाओगे लाइफ टाइम। तो यार बिंदास लगाओ जो फॉर्मूला पढ़ाया आपने, सर साइन एक्स, हाँ एक्स मानो, क्या हो गया कॉस 3x प्लस 5, अब डिफरेंशिएशन इसका कर लो, 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 3 आएगा, वो 3 यहां डिवाइड में जाएगा, बात खत्म। क्या ये बढ़िया है? क्या ये बढ़िया है? लेकिन ये बहुत बढ़िया है क्योंकि ये प्रूफ है, ये रीजन है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन सवाल ऐसे बनाओ, काम इसके बिना नहीं चलेगा ये आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन बनाओ ऐसे। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? दो चार सवाल बना के देते हैं, उसके बाद फिर एक ट्रिक और बिंदास है, तो इसके बिना इंटीग्रेशन कर नहीं पाओगे यार। अब जिसको जो नोट करना वो कर लेना अपने आप ही, वीडियो पाउज वाउज करके, हाँ जो भी काम की बात लग रही हो। इतना सब यार स्क्रिप्ट थोड़ी लिख के लाएंगे, याद रखेंगे, ये बोलेंगे बच्चों से, वो बोलेंगे। लगता है लेक्चर बनाने से पहले तो सोचता हूँ ये कहूँगा लेक्चर में, वो कहूँगा, ऐसा वैसा, अब बनाते टाइम कुछ याद नहीं रहता। चलिए है ना, तो सोच रहा हूँ कि आगे से क्या करूँ ना, एक लिख लूँ कि टॉपिक क्या क्या कराना है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो रैंडमली पढ़ाता हूँ मैं तो। ठीक है, तो अब जो हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक डिफरेंशिएशन का पैटर्न है, इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करेगा। जब आप, यकीन मानिए, जब आप ये पढ़ेंगे ना e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अभी 15-20 लेक्चर के बाद आएगा इसका नंबर, तो यहाँ बहुत काम देगा आपको। इसका फॉर्मूला होता है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, कैसे बन गया डायरेक्ट पता नहीं, पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, दूसरा इस टाइप के इंटीग्रेशन में बहुत काम देगा, 1/x की पावर n वाले इंटीग्रेशन में बहुत काम देगा। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ में आएंगी, बिल्कुल आएंगी, बिंदास आएंगी। तो डिफरेंशिएशन का एक पैटर्न है बच्चों, वो पैटर्न सीख लेते हैं। हाँ सीखें, मैंने जैसे कहा था कि 1/√x को करने में कितनी देर लगाओगे, मैं तो डायरेक्ट लिखता हूँ 2√x प्लस सी। कैसे आ गया ये कि सर यही तो सीखना है? हाँ, तो बिल्कुल सही जगह पे हो आप, सब कुछ मिलेगा सीखने को। चलिए चालू करते हैं, मैं डिफरेंशिएशन से शुरू कर रहा हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ, अरे बाप रे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों लगा दिए साथ में, नमक खा के आए हो क्या टीचर जी? नमक समझते हो? नमक नमक, हाँ वही होता है नमक, तो नमक कम खाओ, नमक मत खाओ ज़्यादा वरना बेहोश पड़े रहोगे। ठीक है, नमक खा के इंटीग्रेशन मत करो सॉल्व, चीनी खा के करो। तो एनीवेज, तो इसका अगर हम करें डिफरेंशिएशन 1/x से शुरू करते हैं, क्या बनेगा पता है इसका डिफरेंशिएशन? -1/x2। यार सर ये आपको सब डायरेक्ट कैसे याद है? अरे रटा नहीं है यार, पैटर्न है, बस पैटर्न है। ठीक है, देखूँ एक बार इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। डी ओवर डी एक्स, इसको ऊपर ले जाओगे x की पावर -1 बनेगा। सिंपल फार्मूला तो सभी ने पढ़ा होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n वाला फार्मूला पढ़ा है सभी ने, n x की पावर n -1 होता है, तो -1 x की पावर -1 -1 -2 हो जाएगी। यार इतने बुद्धू तो नहीं हो तुम, -1 नीचे ले जाओ इस पावर को, प्लस हो जाएगी, -1/x2 हो जाएगा। लेकिन वही है कि अपने पास इतना टाइम नहीं है यार, है ना, जो बच्चे नमक खा के आए वो कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, नमक खाने से बचिए बस। तो दूसरा दिखाएं, 1/x2 पता है क्या बनेगा? -2/x3। समझिएगा बात को। हाँ अच्छा सर, कुछ तो घटा है, मजा है, कुछ तो है, दिक्कत है।
तीसरा बनाए 1/x³, ये बनेगा -3/x^4। पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा, डिफरेंशिएशन में तुम्हारी इतनी हेल्प करेगा, इंटीग्रेशन में पढ़ा रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन में इतनी हेल्प करेगा जितना तुम सोच नहीं सकते। हाँ सर समझ में आ गया, जो नंबर है उसको माइनस में लिखना है, पावर नीचे एक बड़ा देनी है, बिल्कुल सही समझे। अब मैं आया कैसे वो मैंने बता दिया है। तो डिफरेंशिएशन एक ये जनरल फॉर्मूला याद कर लो, हाँ क्या जनरल फॉर्मूला याद करो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x^n, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x^n क्या होता है सर, माइनस का एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन। बिल्कुल सही समझे हो, बिल्कुल सही समझे हो। अच्छा जी ध्यान देना यार इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, पसीने आने स्टार्ट हो गए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ठीक हो गई बात। अब उस पे काम करने वाला हूं, बहुत धांसू वाली ट्रिक है। मैंने क्या कहा था, इसको अगर इधर भेज दोगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं डी ओवर डी, इसी ट्रिक की बात कर रहा हूं, ये तो लिख लो आप, बहुत तगड़ी ट्रिक है। इसी तरीके से मैंने रूट एक्स का बनाया है, वो भी ऐसे याद कर लो आप, जो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, ये भी मैंने बच्चों को डायरेक्टली पढ़ाया, वो होता है 1/2√x। तो वो देख लेते हैं कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है। इस पे अभी आऊंगा मैं, रूट वाले पे अभी आऊंगा, फिलहाल इस ट्रिक की बात करते हैं पहले। तो अगर बच्चा लोग मैं x की जगह x की पावर n माइनस वन लेता तो क्या होता, सर ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अभी समझ आएगी कहानी। सीधी सी बात है, कहा था जो नंबर यहां पे होगी इसकी एक्सपोनेंट पावर होगी वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, और यहां पर एक बढ़ जाएगी, जब बढ़ाओगे तो x की पावर n हो जाएगी। समझे गेम, समझे? हाँ सर समझ तो आ रही बात। इस डिफरेंशिएशन को इधर ले जाओ तो क्या होता है सर, इंटीग्रेशन पड़ जाता है। आपने इंट्रोडक्शन ही बहुत बढ़िया कराया था, समझ में आ गया था हमारे डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसको डिवाइड में ले आओ, तो 1/x^(n-1) और ये n-1 यहां इसके इनटू में आ जाएगा, हाँ प्लस सी लगा देते हैं, तो उधर क्या बचेगा 1/x^(n)dx। भैया इसको याद कर लो यार, इसको याद कर लो, x की पावर n का 1/x^(n) का डिफरेंशिएशन तो दिया था फरमान साहब ने बना के, आज 1/x^(n) का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है बना के, नो ऊपर ले जाना, नो x की पावर n का फॉर्मूला लगा के -n+1/-n+1 करना, इतना टाइम नहीं है ना, ना ना ना। अरे सर समझा दो जरा, थोड़ा सा समझ में आ जाए बेटा, 1/x³ का कहीं इंटीग्रेशन आ जाए तो बेटा तू पहले इसको ऊपर लेके जाएगा, सर -3 ऊपर लेके गए, फिर -3+1/-3+1। हाँ सर समझ में तो आ रही है बात, कुछ तो है लॉजिक सर, हाँ जी कुछ तो है ना लॉजिक। तो देखो अब क्या होता है। अच्छा वहां पे जो था एक एक चीज बस सही कर लीजिएगा, x की पावर n का -n हो रहा है ना, तो इसका जब माइनस लगाओगे तो n-1 की जगह 1-n हो जाएगा। इससे पहले कोई कमेंट मार दे और ये सर ने गलत कर दिया, सही कर लो रे, 1-1 है ना, सही है, मजा यार। धीरे 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 हायर लेवल तक ले जाऊंगा, चिंता मत करो। आईटी बोला तो ऐसा नहीं बोला था, हा? वो लिखा हुआ है इसका मतलब है, लेकिन बेसिक के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तुम सोचो कि बेसिक के बिना हो जाए तो कर लो फिर, ठीक हो रही बात, ये ऑब्जर्वेशन है बस, गेम ऑब्जर्वेशन सर, आए तो समझ में। हाँ तो 1/x^3 का क्या बनाओगे सर, आपने बताया 1-n यानी कि 1-3 यानी कि -2। सर वहां पावर बढ़ रही थी, यहां सर पावर कम करनी है, बिल्कुल बेटा सही समझा, x की पावर 2 कर दे, ये ले -1/2x² सर 1/x^4 का क्या बनाऊं बेटा, तो बना ले 1-4 -3 x^3। अच्छा माइनस तो ऊपर लगा ही दिया, हो गया हटाओ खत्म। अब मुझे खुद यार बता दो कैलकुलेशन करके मैंने कितना टाइम बचाया आपका, बस मुझे ये बता दो, वीडियो देख लें चल रही है कि नहीं चल रही है यार, 2-3 बार ऐसा हो गया कि वीडियो बनाई पूरी मेहनत करके वीडियो ही नहीं बन पाई, आधा पिछली बार का मेरा आधा लेक्चर बर्बाद हुआ, मेमोरी फुल हो गई थी उस टाइम, दाढ़ी वाली थी, मैंने सोचा कपड़े चेंज करके आगे आगे से कंटिन्यू कर लूंगा, उसके बाद मैंने शेव करवा लिया। अब बच्चे कहेंगे कि याद कर करके बना रहे आधी आधी वीडियो, अरे बहुत बहुत दिमागीन बच्चा पड़ा है भाई साहब, तो पूरी वीडियो को कैंसिल करनी पड़ी, 37 मिनट की वीडियो थी, अब टाइम नहीं मिला उसके बाद। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें अब आपको बिना नमक खाए समझ में आ जाएंगी,
अब नमक खा के भी अगर ये काम करोगे तो कर पाओगे, हैं ठीक है। तो एक बार इस पे ब्रीफ डिस्कशन हो जाए, रूट वाली बात और कर लेते हैं यार जल्दी से। तो ये गेम आपको समझ में आ गया, 1/(x^n) का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -n और (x^n+1) होता है, और जो 1/(x^n) का इंटीग्रेशन होगा, 1/(x^n) का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, तो वो होगा 1/(1-n) और (x^(n-1)। हाँ, नीचे आ गई ना वो, हाँ ठीक है, सही है, ये फॉर्मूला हो गया। इस पे मैंने 2-3 सवाल भी आपको बता दिए, एक आखिरी क्वेश्चन और, सपोज कर लीजिए 7 आ जाता है तो इसको ऊपर ले जाओ, फॉर्मूला पुट करो, यार इतना टाइम नहीं है। अब ये सीख रहे हो क्या, ये पढ़ाया जा रहा है क्या स्कूलों में, इतनी देर में तो वो 2 एक्सरसाइज को नचा देगा टीचर, जो होगा एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइज नचा देगा इतनी देर में, ये करो, इतना होमवर्क में करो, हड़प हो गया, चलो बाकी पढ़ाना कोचिंग आने को ठीक है। चलो तो इसका क्या बनाओगे, 1-7-6 (x^6) हटाओ, अब बोलो, ये दिखा देना गुरु जी को जाके, सही है। तो ये गेम है यार, ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन है, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तभी तो यहां से यहां पे और यहां पे ऐसे ही नहीं पहुंच पाओगे यार, फिर बेसिक से पहली सीढ़ी से ही काम करना पड़ेगा डायरेक्ट। हाँ JEE का सर सिलेबस पढ़ूंगा मैं सर, है ना, ब्रांड ढूंढते हैं, ब्रांड कौन सी किताब मिले, कौन सा टीचर मिले, कौन सी कोचिंग मिले। तो भैया निकलने वालों का बंद कमरों में भी निकल रहा है, ना निकलने वालों का फिर कहीं ना निकल रहा, कहीं भी पहुंच जाए फिर वो पढ़ना पड़ेगा आपको। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन में बात कर रहा था, डिफरेंशिएशन भी याद कर लो और उसके बाद इंटीग्रेशन भी, d/dx ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब x^(1/2) है भैया, सिंपल बात है। हाँ सर सही कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन का रूल लगाया तो सर फॉर्मूला पढ़ा है, n यानी कि 1/2, (x^(n-1) यानी कि 1/2 में से -1 करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, वो नीचे जाएगा तो (x^+1/2) हो जाएगा, और (+1/2) का मतलब तो खुद ही रूट होता है। इतना नमक तो तुमने नहीं खाया जो तुम ये ना समझ पाओ, है हाँ सर बात सही है। तो अगर d/dx ऑफ रूट एक्स की वैल्यू 1/(2√x) है, सही है डिफरेंशिएशन इसका, अब ये उधर जाएगा dx/d तो लिखते नहीं है, उसी का ये साफ बनाया था, मैंने बताया था आपको, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। अगर मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दूं तो 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x। याद करो, एक घंटा बनाने मत लग जाना कि 1/(x^(1/2) dx, इसको पहले ऊपर लेके जाऊंगा (x^-1/2) dx, और उसके बाद इसमें मैं रूल लगाऊंगा (x^-1/2+1)/(-1/2+1), और उसके बाद इसको लिखूंगा (2x^(1/2) और साथ में 2√x। तो इतना टाइम तुम्हारे पास है, अपने पास नहीं है, ठीक है। हाँ नमक खा के करोगे तो यही फिर पसंद आएगा तुम्हें, ये गेम है, ये है गेम असली, ये है इंटीग्रेशन, क्लियर। तो ये सारी बातें नोट करने वाली हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बना भैया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/(2√x), जहां भी आ जाए डायरेक्ट लिखो, नो फॉर्मूला, टीचर को समझा खुद समझेगा यार, इतना अकल है उसके पास। सर नंबर मिल जाएंगे सर, स्टेप कट जाएंगे, अबे रोते रहोगे यार, ये इतना बड़ा काम नहीं कर दिया कि बहुत स्टेप गायब हो गए तुम्हारे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x/dx होता ना, कुछ बच्चों को कीड़ा होता ना, स्टेप चाहिए उन्हें पूरे, वो 10th क्लास में ना कंस्ट्रक्शन बनाना नहीं आता था, स्टेप के पीछे पड़े रहते थे 10th क्लास में, याद ही होगा आपको मैथ्स में, सर वो कंस्ट्रक्शन के स्टेप जरा सर ये वो, कंस्ट्रक्शन तो सीख लो पहले यार, कंस्ट्रक्शन जैसे ऐसे करो, स्टेप तो लिखना ही तो पड़ेगा, और क्या करना है। तो ये हो गया काम आपका, ये था बेसिक गेम। दूसरा जो मैंने इंट्रोडक्शन का लेक्चर बनाया था उसमें मैं इनवर्स वाले जो हमारे फॉर्मूलाज है डिफरेंशिएशन के, उसके एंटी डेरिवेटिव बताना मैं भूल गया था, हालांकि आपको याद है तो एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा उससे पहले, हाँ सर 1/√x का तो इंटीग्रेशन बता दिया, सर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको भी सर क्या वैसे या इसके लिए भी कुछ बना रखा है, बना रखा है तो इसका होता है 2/(3x^(3/2), यार ये काफी टाइम बचा लेगा, याद करने में क्या जा रहा है बताओ। हाँ यार बिना प्रूफ के पढ़ाया है कुछ आज तक, हाँ भाई कुछ आज तक पढ़ाया बिना प्रूफ के, कभी नमक में चीनी मिला के खिलाई है क्या आपको, फिर देखो भाई सर नमक नमक बहुत कर रहे हैं आज,
नहीं, एक वर्ड होता है ना वो रट जाता है, बार बार वही आता फिर जबान पे। कैसे करें प्रूफ? x की पावर 1/2 dx, x की पावर n का तो इंटीग्रेशन जानते ही हो यार, क्या जानते हैं, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, सही है। तो x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, x की पावर 3/2 और ये 3/2, 3/2 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी, तो लगाई लो शगुन का। हाँ ठीक है, तो ये हो गई बात, देखो प्रूफ भी हो गया, ये था गेम। अब काम की बात सुन लें, तो काम की बात ये है कि भैया ये बताओ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है आपने, बस उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा एनसीईआरटी जो भी 7.1 है वहां से चालू करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड भी सिखाएंगे और बाकी सारे बेसिक तो बता दिया, देखना सवाल कैसे उड़ेंगे। आधा सब्स्टिट्यूशन तुमने पढ़ लिया, आधा सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया सर, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे तो लगे हाँ 10x का भी पढ़ा देते, आपने कहा था 10x का हमारे पास नहीं है इंटीग्रेशन आज तक। देखो साइन का क्या, अरे इस पे बात करेंगे यार, वो पढ़ाते पढ़ाते ना इतनी सारी बातें मैं इधर उधर निकल जाता हूँ यार। बस साइन x का डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन सर, माइनस का कॉस x, कॉस x का सर साइन x, सही है सही है, 10x का, अरे अरे बापरे, किसी चीज का डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 10x था ही नहीं, जो 10x का इंटीग्रेशन तुम्हें याद हो। तो मैं ये कहूंगा कि जितना मैंने पढ़ाया अभी तक हमारे पास 10x का इंटीग्रेशन नहीं है, अभी तक हमारे पास cot x का इंटीग्रेशन नहीं है, अभी तक हमारे पास cos x का और sec x का इंटीग्रेशन नहीं है, वो अगले लेक्चर से नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेगा, क्योंकि अगले लेक्चर में तो मैं 7.1 कराऊंगा पहले, उसके बाद सेकेंड लेक्चर में आपको ये सब्स्टिट्यूशन का खूनी खेल चालू होगा। तो d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स, अरे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा थे, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़े थे, तो इसका इंटीग्रेशन यार ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा प्लस सी लगा लेना, बस मैं ये वाले बताना चाह रहा हूँ इनवर्स वाले, अगर यहीं पे ये आ जाता है तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, याद रखना बच्चे भूल जाते हैं तो एक बार बस रिकॉल करा रहा हूँ। इसी तरीके से अब डायरेक्ट लिखूंगा, कॉस इनवर्स एक्स का होता था माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से tan इनवर्स का होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, ये सारे उल्टे वाले फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। cot का लिख देता हूं वो माइनस लग जाता है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका हो जाता था cot इनवर्स x प्लस सी, दो बचे ना cosec एंड sec, तो चौथे के बाद पांचवा cosec इनवर्स x, क्या होता था इसका डिफरेंशिएशन 1/x मॉड में होता था, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, और x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और सिक्स वाला जो हमारा sec होता था वहां माइनस लग जाएगा, तो इसकी जरूरत ना के बराबर ही पड़ती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, फिर भी याद कर लीजिए। तो ये थे सारे बेसिक, अब मैं समझता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में आप बेसिक की वजह से नहीं रुकोगे इंटीग्रेशन में, अब जो मेथड्स हैं वो पढ़ने हैं आपको, बेसिक सारे फंडामेंटल मैंने क्लियर कर दिए हैं, अब 7.1 से शुरू करेंगे, कोशिश करूंगा बहुत जल्दी जल्दी डेली यानी कि आपको लेक्चर प्रोवाइड कर पाऊँ। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो होली मनाते मनाते होली खेलते खेलते प्यारे बच्चों को बता दीजिए, नहीं लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और क्योंकि पसंद आएगा तो बच्चे खुद करेंगे शेयर भी करेंगे। बस मैं ये बोलता हूँ कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग वगैरह और घर पे बैठ के पढ़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं वाकई में बंद कमरों में बैठ के, और फिर भी उनके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो रही हैं, तो वहाँ तक ज़रूर इस लेक्चर को पहुँचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय।